ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अभी आया, अभी वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि आई हैव वन क्वेश्चन फॉर इफ वन इज परसुइंग बीएड और इन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर एंड वुड पास पीएसटेट एग्जाम देन ही और शी विल रिसीव पीएसटेट सर्टिफिकेट आफ्टर बीएड और व्हेन वन अप्लाई फॉर मास्टर कैडर देन इन गवर्नमेंट वेरिफिकेशन ही शी हैव एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। आपका उत्तर ये है कि आप बीएड के दौरान आप फर्स्ट सेम में भी हो, आप पीएसटेट निकल आया, ये इम्पॉर्टेंट है। दैट इज वाई कई बार तो साल दो साल तक पीएसटेट आता ही नहीं है, इसलिए जो भी आता है उस पर अटैक कर दो, फिल ज़रूर करो, बेशक तैयारी होती है नहीं होती है ज़रूर फिल करो। और उसका सर्टिफिकेट आपको अगर आप पास कर लेते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये सर्कुलेशन है, डिसीजन है, एनसीटी ने वो आगे फॉरवर्ड किया हुआ है, सर्कुलेट किया हुआ है, तो कई वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ, तो आपको सर्टिफिकेट आपका रिजल्ट जब मिलना है, बीएड कर रहे हो, सेकेंड में हो या थर्ड में हो, आपको मिल जाना है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी। जो वेरिफिकेशन होनी है वो वेरिफिकेशन पीएसटेट वाले भी नहीं करते, आप ऐसे ही फिल करके एग्जाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब जॉब निकलती है तो वेरिफिकेशन होनी है कि जो आपने पीएसटेट में फिल किया था और सर्टिफिकेट पर आया है, क्या वैसे वैसे ही आपके डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने रिजर्व कैटेगरी फिल की है तो उसके थोड़े मार्क्स कम चाहिए, तो आपके पास वो रिजर्व कैटेगरी है, तो ऐसी वेरिफिकेशन है वो जॉब के वक्त ही होनी है, तब तक तो ये उससे पहले आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो पहले में ही कवर हो चुका है, एंड ऑल्सो सर अकॉर्डिंग टू यू वन शुड गिव पीएसटेट एग्जाम आफ्टर बीएड और ड्यूरिंग बीएड एंड व्हाट इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू, थैंक यू एंड थैंक यू एंड थैंक यू। पता नहीं मैंने नाम नहीं पढ़ा, वेरी सॉरी। तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो के कारण आपको जो इंफॉर्मेशन गाइडेंस मिलेगी उससे प्रोबेबिलिटी है आपकी टेंशन कम हो जाए और जिंदगी में कैरियर जो भी जिंदगी है वो बदल सके। तो 100% आपको ड्यूरिंग बीएड पीएसटेट देना चाहिए। कारण ये है कि एक तो पीएसटेट अगर मान लीजिए अब जून में जो आया था, मान लीजिए दिसंबर में आ जाता है, दिसंबर 2023 में आ जाता है ना, उसके बाद अगर जून में आता है नहीं आता, या फिर दिसंबर में आता है या उसके भी बाद आता है, कुछ भी नहीं श्योर है ना, अगर आ जाता है तो पहली बात कि आप पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे। मान लीजिए क्लियर कर भी गए, आप जनरल कैटेगरी के हो 90 मार्क्स ले गए या रिजर्व कैटेगरी के हो 82 मार्क्स ले गए, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है ना। मेरी गाइडेंस आगे वाली क्या है कि जो आपका जॉब आपने लेनी है गवर्नमेंट की, वो सिलेक्शन टेस्ट के मार्क्स है ना, इसके और प्लस कई बार, एक बार हुआ है टेट के मार्क्स भी ऐड हुए हैं। अगर टेट के मार्क्स ऐड हुए तो आप 90 से क्या करोगे, ये आप 90 लेके बैठे हो, सिलेक्शन टेस्ट में किसी ने जो 80 मार्क्स लिए हैं और आपके दोनों के 90-90 हैं पीएसटेट में, और नहीं आपके 90 हैं और उनके जो पीएसटेट में हैं वो 99 हैं, तो नेचुरली है जॉब उनको मिल जाएगी। तो सिलेक्शन टेस्ट और पीएसटेट या सीटेट या कोई भी टीईटी है उसमें ये जोर लगाना है कि पास नहीं होना, मैंने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। तो अगर आपने ये दे भी दिया पास भी हो गया, क्या मैं तो ये कहूंगा नेक्स्ट भी दो, क्योंकि इनक्रीज करो अपने स्कोर को, रिहर्सल होती है और साथ साथ में सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ ये पूछना कि ड्यूरिंग देना है नहीं, मैंने कहूंगा अटैक कर दो। तो आफ्टर बीएड तो आप इतने लेजी मत हो कि तब सोचोगे, आफ्टर दो साल आपने खराब कर दिए कि पीएसटेट नहीं दिया, उसके बाद कब निकलता है, मान लो साल बाद निकलता है, 3 साल चले गए और 3 साल बाद आपने दिया, तो क्या वो ही क्लियर हो जाएगा? अगर क्लियर हो जाता क्योंकि सफिशिएंट जो अच्छे मार्क्स ले लोगे तो कितने क्वेश्चन है। तो इट मींस अभी से एंट्री से आज से ही सोच लो कि पीएसटेट जब भी निकलना है मैंने फिल करना है
और उसके लिए तैयारी के लिए कुछ भी चाहिए, मैं जो कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ करवा दूंगा, मैं स्ट्रेटजीज बता सकता हूँ, जो कुछ वीडियो निकाल सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, जितनी आपकी प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए हेल्प कर सकता हूँ। इवन बीएड के लिए अभी भी जो वीडियो निकाल रहा हूँ, बीएड में कुछ जो डिफिकल्ट टॉपिक है, एमएड में भी डिफिकल्ट टॉपिक है, उस पर बताओ, वो बड़ा ईजी 10 मिनट में वो ईजीली लर्न हो जाए, ऐसे मेमरी ट्रिक से है ना निकालता हूँ, जैसे CIET का निकाला है, SIT का निकाला है, वो बीएड के डिफिकल्ट टॉपिक हैं और आपके एंट्रेंस टेस्ट हैं उसमें भी आएंगे। तो ये मेरा सुजेशन है, तो आपने भरना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी करनी है, और PSET पास हो गया फिर भी दोबारा देना है अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो। आपका जो भी नाम है, थैंक यू एंड थैंक यू एंड